हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ काजू नमक पारे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे बन गए हैं काजू नमक पारे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आइए मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। ये हमारी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देखिए। और ये तोड़ के दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ली है और उसी से नाप लिया है। 1 कटोरी मैंने सूजी ली है। दोनों को मिक्स करूंगी। ये अजवाइन मैं क्रश करके डालूंगी हाथों से। और ये काली मिर्च मैंने दरदरी कूटी है। ये भुना जीरा है और ये भुना हुआ जीरा है। कसूरी मेथी, स्पाइसी हमें बनाना है तो थोड़ी सी मिर्च डालेंगे। इसी मिर्च, इतने मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी धनिया, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, नमक हल्का ही रखेंगे। और इसमें ऑयल डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा और डालेंगे। हमारा मिक्स हो गया है, ये बांध के देखेंगे। ये देखो बन गया है, तो ये परफेक्ट तैयार हो गया। अब इसमें 2 आलू बॉईल करके रखे थे वो कद्दूकस करके डालेंगे। कद्दूकस ही करना है ना, वैसे फोड़ के नहीं डालना है, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। ऐसे अगर कद्दूकस करेंगे तो ये बिना पानी के अभी ऐसे इसी में मार के देखेंगे, क्योंकि ये अगर ये पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डालेंगे। क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है तो शायद पानी की ज़रूरत ना पड़े। अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी तो थोड़े छींटे लगा लेंगे पानी के। पानी थोड़ा ही थोड़ा डालना है, क्योंकि ये हमें टाइट डो तैयार करना है। जब ये हमारा थोड़ा सा टाइट रहेगा तो अच्छी बनेगी। ये अच्छा डो बनके हमारा तैयार हो गया है। इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, जिससे ये इसमें सूजी पड़ी है तो अच्छे से फूल जाएगी। आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम फिर बनाते हैं इसे। हम दोबारा अच्छे से फिर मलेंगे थोड़ी देर के लिए। ये 2 भागों में डिवाइड करूंगी मैं। एक बड़ी पूड़ी बेलूंगी और साइज इसका बड़ा रखना है।
हो गई है, ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है। ये हमने बेल लिया है, ये नमक की पूरी से थोड़ा सा मोटा रहेगा, ये इतनी थिकनेस रखनी है ना, इसे यूज करेंगे। ये देखिए ये शेप बनेगी। इतने बना लिए, जब तक इन्हें मैं तलूंगी तब तक मैं और बना ले रही हूँ, इन्हें भी बीच बीच में चलाती रहूँगी। गैस को स्लो ही रखेंगे। इतना अच्छा कलर आया है, एकदम से डार्क ब्राउन हो गया है, अच्छे तल लिए हैं मैंने। और जब तक ये जो और मैंने काट के रखी थी वो मैं डालूंगी मैं कढ़ाई में। ये हमारी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देखिए। और ये तोड़ के दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इसमें ये अभी गर्म है, अभी ये मैं पुदीना पाउडर डालूंगी। मसाले वैसे मैंने सारे डाल दिए हैं और चाट मसाला डालूंगी। ये गर्म में ही हमें डालना है जिससे ये अच्छे से कोटेड हो जाएगा, चिपक जाएगा इनसे। ये हमारे काजू नमक पारी बनके तैयार हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट भी करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे फ्रेंड्स। ये देखिए।